कि पापा क्या लेके आए, मटन, नमक, मटन तेल, हल्दी डाल के नन्ही छोड़। एकदम लग रहा है कि देखिए प्याज एकदम गल गया सारा, चलिए थारी में निकल रहा है, काफी टेस्टी लग रहा है। एकदम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे दोस्तों, मेरे तो अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हमारा तबीयत तो आपको पता ही दोस्तों किस तरह का है। कल की तबीयत पूरा खराब है और गुल्लू को भी ना बुखार आ गया। हमारे गुल्लू को भी पूरा बुखार है रात से, उनको तो रात में पूरा बुखार था। दवाई ववाई खाए तो पर ठीक लग रहा है, अभी स्वस्थ हो। हल्का हल्का बुखार अभी भी है और गुल्लू को बुखार हो गया। अभी ये दूध पिएगा ना तो इसको दवाई दे, दवाई है गुल्लू का रखा हुआ, तो जल्दी से दवाई दे। हो गया, खा लिया है ना, बार बार बुखार आ रहा है। दिखा के बढ़िया थे डॉक्टर से, अगले बार भी आ गया था दोस्तों। मैं आता है थोड़ा, रात को क्या हुआ ना कि आया भी फिर चलेगा फिर। इधर काम भी बहुत पड़ा हुआ नंदिनी का। अंजलि तो सुबह सुबह भीड़ गई है दोस्तों काम में, देख सकते क्या करे। घर साफ कर ली है, बार बार कहीं उठू जाओ बैठो, कितना हम करेंगे। तो अंजलि सुबह सुबह लिपस्टिक लगा के काम कर रही, क्या बात है। रात का ही लिपस्टिक है बेटा, दवाई नहीं खाएगा तू, जाओ खा लो दवाई। खाना भी बनाना बेटा, तुम बैठो ना पापा के साथ में। नहीं तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए गुनु ऐसे कर रहे। चाहिए ले चाय, पिला उसको चाय, कड़वा चाहिए दोस्तों। गोल की जीरा सब है, कड़ा जैसा चाहिए, कड़ा बना के पी रहा है। पिला उसको थोड़ा सा पिलाओ कड़ा। आपका भी काम हो गया ना जी, अब इनका भी काम नहीं हुआ दोस्तों। एक तो नंदिनी इतना बर्तन धो लेगी तो नहा, तो सोच कर रहा है नहा सुबह सुबह, रात को पता एकदम बीमारी। आप लोगों को तो फीवर तो आएगी, इनको और आशा जी को फीवर आएगा तो एरुम तो ऊपर कम्बल ओढ़ के। मेरे को इतना कबकी लग रहा है, क्या है नाना, पैसा दिया ना ला के अभी तुरंत, कहता पैसा है हाथ में दे। तो जल्दी से नहाओ धो के फ्रेश हो, बर्तन वर्तन धो लो। दोस्तों मेरा तबीयत ठीक नहीं, तभी हम नहीं नहाएंगे। नहीं नहा के फ्रेश हो गई है दोस्तों। आते कि पापा क्या लेके आए, मटन, नमक, तेल, हल्दी डाल के नंदी छोड़ दिए थे। सोचिए दोस्तों पापा खाते नहीं, मगर फिर भी बट ला दिए हम मेरे लिए। और सावन बाप दो महीना बाद आया कुछ घर में, सही में दो महीना बाद खा रहे हैं। अब जिनको पसंद नहीं आते उसके लिए सॉरी दोस्तों, फिर बुरा बोलो मेरे जैसे सॉरी। इसको पसंद नहीं आता, सॉरी इसको पसंद नहीं आता, सॉरी नहीं इसको पसंद आता, नहीं इसका पापा को नहीं खाते। मतलब खाता है दोस्तों, जबरदस्ती बोलती हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। खाता सब ही है, कितना बार खाए अलग भी जानते हैं, बोलने का दर्द है। दो महीना नहीं खाया था, खस्सी का भी ना, कभी खस्सी का भी ना। प्याज व्याज कट करके रख दिए थे, करीब कम से कम 6-7 प्याज, मतलब एक पाव से ज्यादा प्याज हमारा। और ये देखिए हमारा जीरा है और तेज पत्ता, सूखा मिर्चा है, दालचीनी है तो गोटा गरम मसाला, हाँ चीनी है, दालचीनी बोलते हैं, चीनी निकालने ला, चीनी खाएगा बेटा। और दोस्तों आप प्लीज कमेंट मत कीजिए कि मेरे बहुत मन कर रहा था, तो पापा ही बोले कि बहुत दिन से खाई भी नहीं है, खा लो। तो हम बोले चलिए अब आए हैं तो ला ही दिए, पापा तो बोले चलो कोई बात नहीं खा लेते हैं। सबसे पहले जीरा और गोटा गरम मसाला दे दे रहे हैं और लाल मिर्ची और तेज पत्ता, सभी को हल्का से चटक देने देते हैं। राउंड हो गए देख सकते सब हल्का से चटक गया है। और अब प्याज दे देते हैं, चला दिया बिल्कुल, ढक देते हैं, ढक के भूजेंगे। और इधर हमारा मसाला भी निकल गया है, सब प्याज है, लहसुन है, गोलकी जीरा है और धनिया है और लाल मिर्ची है, थोड़ा सा अदरक है, दोस्तों सभी को पीस लेते हैं। मटन तो पूरी तरह से भुजा लिया है, तो देख सकते हैं बढ़िया से जब पूरी भुज गई है।
हल्दी और नमक, मतलब पहले भी दे दिया तो थोड़ा सा और दे देते हैं, कम ना पड़ जाए। चलिए, कितना अच्छा सा सीज भी किया है, बढ़िया एकदम सीज अच्छा हुआ है, एकदम लग रहा है कि देखिए प्याज एकदम गल गया है, सारा कुछ बढ़िया से भुंजा रहा है, पर टेस्टी बन जाएगा ना बेटा, खाएंगे ना, पूरा टेस्ट देखिए तो बढ़िया, तो एकदम भुंजा गया हमारा मटन, अब बनेगा पूरा टेस्टी, लग रहा देखने में तो खाने में मजा आएगा। मसाला दे देते हैं, इसमें पहले मसाला थोड़ा सा निकाल लेंगे हम, क्या है पापा की सब्जी बनाएंगे ना, अच्छा अब बाकी मसाला दे देते हैं, आराम से अच्छी तरह से इसको नंदनी भूनेगी, देखते हैं नंदनी का हालत कैसा हो गया दोस्तों, पूरा पसीना पसीना मटन भूनते भूनते हो गई है, सुबह में नहाई थी, लग नहीं रहा कि नहाई है, इधर हमारा गुड़का हुआ बेटा, गोदी मांग रहा दोस्तों, हम भी साथ में रहते, हम भी पूरा पसीना पसीना, कुछ बुखार है ना और पसीना चल रहा है, अभी जा रहे हम दवाई खाएंगे क्योंकि तबीयत बहुत खराब है दोस्तों, आपको लग रहा हो कि ठीक ठाक है पर तबीयत बहुत कल से ही खराब है, तभी दवाई नाश्ता कर लिया मुड़ी का, गुल्लू भी खाएगा, दवाई तो खा लिए दोस्तों, सुबह शाम का था और कोई असर नहीं कर रहा है दवाई, पता नहीं शाम को अगर नहीं ठीक हुआ ना दोस्तों डॉक्टर से दिखा लेंगे, और गुल्लू का भी वही हालत है, उसको भी रात होने से बुखार आता है तो उसको भी दवाई दे दिए हैं, इधर नंदनी बहनी का मटन हो गया पूरी तरह से भुजा गया, गया। लाल हो गया तेरा मटन, मटन मेरा पानी दे देते हैं, ज्यादा पानी मत दीजिएगा, रोटी रहेगा ना तो थोड़ा कम झोल वाला रखना, अभी गर्म अभी मीट मसाला नहीं देंगे मटन मसाला, कब देगा जब ये सीटी लग जाएगा, दो से तीन सीटी उसके बाद निकलने के बाद दे देंगे, अच्छा मटन में पानी दे दिए हैं, करीब डेढ़ गिलास पानी दिए हैं दोस्तों, और इसको हम तीन से चार सीटी मीडियम आंच में लगने देते हैं, तो तीन सीटी हमारा लग गया है और इसको भी बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों, कि फिर ठंडा हो उसके बाद है ना मीट मसाला हम लेंगे, तब तक बाकी का काम कर लेते हैं। ढक्कन वाह, तेली नजर आ रहा खाली ऊपर में नंदनी का, कितना तेल डाल दिए, तेल डालेंगे अब इसमें मीट मसाला देना होगा, हल्का सा खटकाना होगा दोस्तों, हो गया है बस ये हमारा मसाला बाकी रह गया था, इसी को देना है, लग रहा बहुत टेस्टी बना है नंदनी, तो रखने देते हैं करीब पांच मिनट, ज्यादा नहीं ऐसे ही, तो हमारा ये पक गया है, बस गरम मीट मसाला दिया है ना बस उसके लिए, उसके बाद बंद कर देंगे, तो गुल्लू के लिए दाल भात निकल गया, खाओ बेटा दाल भात, नहीं खाएगा तू, नहीं खाएगा तू, नहीं खाएगा, क्या चाहिए, क्या दे, कुछ नहीं है दाल भात ही है, वो क्या है, हाँ वो सब देखते हैं, खिला दिए जी इसको सही से, चलिए दोस्तों इधर हमारा गुल्लू नंदनी अपना खाना निकाल रही है, देख सकते हैं कितना ठंडा हो गया हमारा मटन दोस्तों, काफी सुंदर दिख रहा है, ठंडा होने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर से गर्मी भी है, गर्मी जितना है कि पूछने को नहीं करती, चलिए थारी में निकल रहा है, काफी टेस्टी लग रहा देखने में, आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों, ये बात नंदनी खाएगी ना, अंजी नहीं खाएगी ना, अंजी खाएगी, तुम खुद खा ले, मैं बोल मत मेरे को, अंजी को पसंद नहीं है, नहीं है जी पसंद, आपने तो बोली ना, उनको गुस्सा ही आ रहा था तबीयत से एकदम, क्या है मटन नहीं खाएंगे इसको ना दोस्तों, झोल चटा दिए तो इसका चटा नहीं थे, नाक में चटा दिए थे, लहर रहा था, अब नहीं ना लहर रहा, फिर चटा देंगे, चलिए गुल्लू खा रहा, डिस्टर्ब मत कीजिए गुल्लू, खाने दीजिए, चलिए दोस्तों निकल चुका है हमारा खाना,
आप लोगों को अगर नॉन वेज पसंद है तो खा लीजिए दोस्तों। हम खाते हैं, काफी गर्मी है दोस्तों, तबियत तो अभी भी ठीक नहीं है। कैसा बना? क्यों बहुत दिन के बाद बना? मेरा थोड़ा सर्दी है, बुखार है दोस्तों, उतना टेस्ट तो आएगा नहीं। आपको तो पता नहीं चल रहा होगा। चलिए ब्लॉग का यही एंड करते हैं। और हमारे वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, और आप भी जरूर खाइएगा।